दोस्तों, जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तब बकरियों को कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। वैसे तो बकरियों के लिए गर्मी का मौसम सबसे अनुकूल माना गया है, क्योंकि बकरियों को सूखी जगह पसंद है। इसके विपरीत बरसात और ठंड के मौसम में बकरियों की ग्रोथ भी कम होती है, और सर्दियों के मौसम में मेमनों यानी कि बकरी के बच्चों की मृत्यु दर भी अधिक होती है। बकरी आमतौर पर ठंड को तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ठंडी हवाएँ और नम मौसम में बहुत ही परेशान हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं सीजी गुड फार्मिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बकरी पालन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ठंड के मौसम में। वीडियो चालू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। इससे होगा ये कि चैनल में जब भी नई वीडियो पोस्ट होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले, बकरियों को एक गर्म और आरामदायक आश्रय की आवश्यकता होती है। जब ठंडी हवाएं चल रही हो तो हवाएं सीधे बकरी के संपर्क में न आए। इन ठंडी हवाओं से बचने के लिए शेड में कम से कम 3 फीट की दीवार होनी चाहिए, और दीवार के ऊपर पर्दे भी ठंड के मौसम में ज़रूर लगवाएं। ध्यान रहे कि बकरियों के शेड में गर्मी बढ़ाने के लिए हेलोजन का उपयोग कभी भी ना करें। पीने के पानी का टेम्परेचर कंट्रोल में रखें। जहाँ तक हो सके तो बकरियों को ताज़ा पानी पिलाएँ, और अगर सर्दी या खांसी हो तो बकरियों को थोड़ा पानी गर्म करके पिलाएँ। इसके बाद बकरियों के बाड़े में ऐसी व्यवस्था हो कि बकरियां नमी वाले जगह में ना बैठ पाए। इसके लिए आप शेड में लकड़ी के तख्तनुमा फट्टे लगा सकते हैं। बकरियों के शेड के पर्दे ऐसे हो कि उन्हें दिन में खोला जा सके, और रात में अच्छी तरीके से वापस पर्दे नीचे गिरा के पैक हो जाए, ताकि इसमें क्या होगा कि अमोनिया की जो गैस बनती है वो दिन में बाहर निकल पाएगी, और अगर अमोनिया गैस ज़्यादा बनती है तो आँखों में भी प्रभाव पड़ता है। रात में बकरियों के सेट के अंदर जाकर सेट के अंदर का तापमान जरूर देखें, और यह सुनिश्चित करें कि कहीं से भी सेट के अंदर ठंडी हवा ना आ रही हो। बकरियों के बाड़े की रोज़ सुबह शाम सफाई करें, व 15-15 दिन में चूने का छिड़काव करें। ऐसा करने से सेट में नमी नहीं रहेगी और चिंचड़ पिस्सू से भी बचाव होगा, क्योंकि अगर सर्दियों के मौसम में चिंचड़ पिस्सू आपके बकरियों में आ गए तो बकरियों को नहलाने में समस्या हो सकती है। आपको बकरियों को नहलाने के लिए ज़्यादा तेज़ धूप वाले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। बकरियों को डेली कम से कम 4 घंटे की धूप दें। अगर बकरियां बाहर चरने जाती है तब सुबह देरी से बकरियों को बाड़े से निकालें और शाम को जल्दी बाड़े में वापस लाएं। दोस्तों, बड़े बकरे और बकरियों में ठंड सहन करने की क्षमता मेमनों से अधिक होती है, इसलिए बकरी पालन में मेमनों की देखभाल विशेष रूप से करनी चाहिए। मेमनों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यह आसानी से सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए मेमनों को अलग से बॉक्स बनाकर रखें, और हो सके तो उन्हें गर्म कपड़े ठंड के मौसम में पहनाएं। मेमनों को गर्मी देने के लिए रूम हीटर का उपयोग कीजिए, हेलोजन का उपयोग नहीं कीजिए, ना ही उन्हें आग के पास रखें, मतलब कि बकरी के बच्चों को आग के पास ना रखें। अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है तो उसे तुरंत बाकी जानवरों से अलग कीजिए। इन सब के अलावा मिक्स ऑयल का भी उपयोग ठंड के मौसम में ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो मिक्स ऑयल के बारे में ही रहेगी। या तो दोस्तों, आज का वीडियो इसमें हमने बकरी पालन में ठंड के मौसम में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस बारे में बताया है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।